हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी फली की सब्जी। काफ़ी मज़े की बनती है और बनाना काफ़ी आसान है, तो आइए देखते हैं राजस्थानी फली की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले फली को अच्छे से उबाल लेना है ताकि अच्छे से गल जाए। हमने फली को उबाल लिया है। ये है हमारे मसालों का पेस्ट जो हमने फली के लिए स्पेशली रेडी किया है। इसमें हमने हल्दी, मिर्ची, लहसुन और धनिया का अच्छे से मिक्स करके रखा है। सबसे पहले डालेंगे कुकिंग ऑयल। अभी तेल में डालेंगे हम जीरा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। जब प्याज इस तरह से लाइट ब्राउन दिखने लगे तब इसमें हम डालेंगे फली के लिए जो हमने मसाला रेडी किया था। और इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। इसमें साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला नीचे फेंदे पर ना चिपके। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मिक्स कर लेना है। अब धीरे धीरे हमारी ग्रेवी भुनने लगी है और इसमें ऑयल आने लगा है। अभी इसको और अच्छे से पकाना है। अभी हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अभी इसमें डालेंगे हम फली। यह है मेरी बेटी उम्मे हानी। जब से अंदर खाना बन रहा है बाहर रोए जा रही है। बेटा क्यों रो रहे हो? अब रो के दिखाओ। अच्छा, बच्चे भी कैमरे को अच्छे से समझते हैं। इसकी रोना रुक गया अब। क्यों होगा बिट्टू? अब फली को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेना है और हमें हमारी फली का पानी खुश्क होने तक अच्छे से पकाना है। काफी मजे का मसाला तैयार हुआ है इसका। चूल्हे की फ्लेम हमने बढ़ा दी है। फली का पानी खुश्क होने तक इसे तेज आंच में पकाना है। काफी मजे की हमारी फली धीरे धीरे तैयार होने लगी और जो मसाला बनाया वो तो काफी मजेदार है। खुशबू काफी मजे की आ रही है। अब जैसे जैसे हमारी फली पूरी पकने वाली होगी इसका पानी खुश्क हो जाएगा और साइड से ऑयल आने लगेगा। क्या मजे की इसमें से भी खुशबू आ रही है। अभी चूल्हे की फ्लेम हमने कर दी है कम और अब इसे ढककर पकाएंगे। ये ढककर तब तक पकाना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो अभी फली का पूरा पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, ऑयल आ चुका है, हमारी फली बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी इसे अब सर्व करते हैं। तो ये थी हमारी मज़ेदार सी राजस्थानी फली की सब्जी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।